Good morning students, this video is from RSM Vidyashram School of Class 1st. Today we are going to start a new chapter, chapter number 7 of Max from term 1. हम term 1 से क्या करेंगे? Chapter number 7 start करेंगे. So chapter number 7 is टू डिजिट नंबर. ब्रैकेट में कौन सा है? 51 to 99. हम 51 से लेके 99 तक हम पढ़ेंगे टू डिजिट नंबर. अब तक अपन 50 तक पढ़ते आए हैं, अब हम 51 से पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ टू डिजिट नंबर. अब इन टू डिजिट के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 51 से 99 तक. शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय एक्सपेंडिंग. नाउ वी हैव स्टडीड टू डिजिट नंबर अप टू 50. अभी तक हमने 50 तक टू डिजिट नंबर पढ़े थे. हेयर आर सम मोर टू डिजिट नंबर्स लाइक 65, 78, 99, 75, 92, 57, 86, 91 and so on. यानी कि ये तो सारे टू डिजिट नंबर हैं ही, इनके अलावा भी और भी टू डिजिट नंबर होते हैं. द नंबर्स फ्रॉम 51 ऑनवर्ड आर गिविंग फॉर यू विद देयर नंबर नेम्स. आपके पास यहाँ पे 51 से आपको नंबर्स दिए गए हैं उनके नेम्स के साथ, जैसे 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. यहाँ तक के 99 तक ये टू डिजिट नंबर होते हैं. और 100 जो होता है ये थ्री डिजिट नंबर में आ जाता है, जैसे 1s, 10s, 100, आगे थ्री डिजिट नंबर में. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, 100 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. यानी कि 100 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर है. वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टू डिजिट नंबर. नाउ वी विल स्टडी द नंबर फ्रॉम 51 to 99. हम 51 से 99 तक के आगे के नंबर स्टडी करेंगे. फॉर दिस द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर गिवन. इसके लिए आपको नीचे क्या दिए गए हैं? कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 76 and 85. आप कौन कौन से नंबर दे दिए गए हैं? 76 and 85. इन 76 7 ऑक्यूपाइज द 10th प्लेस. 7 जो है वो किसकी प्लेस पर है? 10th प्लेस. कैसे? देखो हम क्या बोल रहे हैं, 70, फिर हम बोल रहे हैं 6, तो यानी 70 जो है वो किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर. वाइल 6 ऑक्यूपाइड द 1s प्लेस. और जो 6 जो है वो किस प्लेस पर है? 1s प्लेस पर. सिमिलरली ऐसे ही 85 जो है उसका 8 ऑक्यूपाइड 10s प्लेस. तो जो 8 होगा वो किस पर होगा? 10s प्लेस पर. वाइल 5 ऑक्यूपाइज द 1s प्लेस. तो 5 किस पर होगा? 1s प्लेस पर. ठीक है. Now, this will be more clear to you with the help of the figure given below. आओ अब ये figures आपको कुछ और help करेंगे. जैसे इसमें देखो क्या दे रखा है. सबसे पहले तो ये one line है, one vertical line है. इसमें कितने blocks हैं? आओ count करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस वन वर्टिकल लाइन में कितने ब्लॉक्स हैं? 10 ब्लॉक्स हैं. बट अब ये काउंट करो कि ये वर्टिकल लाइन है कितनी. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 वर्टिकल्स लाइन है और वन वर्टिकल लाइन में 10 ब्लॉक्स हैं. तो यानी कि ये कितने ब्लॉक्स हो गए? 70 ब्लॉक्स हो गए.
तो देखो इधर, 70 ब्लॉक्स इन 7 कलेक्शन ऑफ 10 मेक 7 टेंस। तो यानी कि 7 आपके पास कलेक्शन है और हर एक में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 टेंस। वहीं पर ही हमारे पास क्या है, एक छोटा सा वर्टिकल लाइन है जिसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 ब्लॉक्स। तो 6 ब्लॉक्स सेपरेटली मेक 6 वंस। तो 6 जो है वो एक सेपरेट है, सेपरेट लाइन है, कोई और आगे लाइन नहीं है, और 6 क्या करेगा, वो वंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे, देखो 7 टेंस एंड 6 वंस मेक क्या बनाते हैं, 76। क्या बनाते हैं, 76, दैट इज 70 एंड 6 मेक 76। और इसको किस में भी लिख सकते हैं, 70 प्लस 6 76। आया समझ में? ये देखो यहां पर इसका दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब यहां पे सबसे पहले तो वन सर्कल में हम पहले काउंट करेंगे कि कितनी पेंसिल्स हैं। तो यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है 10। तो अब ये सर्कल्स है कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8। और हर एक सर्कल में 10 पेंसिल्स हैं, तो क्या हो जाएगा 80, क्या मिलेगा हमें 80। और अलग से कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 5, कितनी है हमारे पास 5। तो ये अलग से क्या निकल जाएगा हमारा, 5 पेंसिल। तो 18 पेंसिल्स इन 8 बंडल्स ऑफ 10 मेक 8 टेंस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 8 टेंस। और 5 पेंसिल्स सेपरेटली मेक 5 वंस, और 5 अकेला है, सेपरेट है, तो क्या बन जाएगा 5 वंस। 8 टेंस एंड 5 वंस मेक्स 85, क्या बनाता है वो 85, दैट इज 80 एंड 5 मेक 85, और 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। अब आते हैं, हमारा न्यू टॉपिक है शॉर्ट फॉर्म्स। क्या है शॉर्ट फॉर्म्स, अब इसको शॉर्ट फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे। जैसे 6 किसकी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, किसकी प्लेस पर, टेंस की प्लेस पर, तो ये क्या बन जाएगा 60। और 8 वंस की प्लेस पर है, तो क्या बन जाएगा 8। देयरफोर 6 टेंस की प्लेस पर है और 8 वंस की प्लेस पर है, 6 टेंस यानी 60, 8 वंस यानी 8, तो मिलकर क्या बन जाएगा 68। सिमिलरली ये भी वाला बताओ मेरे को, 5 किसकी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, प्लस 9 किसकी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर, तो 5 टेंस की प्लेस पर तो 50, 9 वंस की प्लेस पर तो 9 इज इक्वल टू 59। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, राइट इन द शॉर्ट फॉर्म्स वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर किया गया है, जैसे 6 टेंस की प्लेस पर, 7 वंस की प्लेस पर, तो 6 टेन यानी 60, 7 वंस यानी 7, तो मिलकर क्या बनेगा 67। अब एक मैं करवाऊंगी, बाकी के दो आपको होमवर्क करने हैं। तो जैसे 8 किसकी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, और 9 वंस की प्लेस पर, तो 8 टेंस यानी 80, 9 वन यानी 9 वंस यानी 9, तो मिलकर क्या बनेगा 89। वेरी गुड। अब ये दो आपके क्या हैं, होमवर्क, ये आप एक बार करके बताओगे मेरे को। नाउ नेक्स्ट है हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या है एक्सपैंडेड फॉर्म, 65 इज इक्वल टू 6 टेंस प्लस 5 वंस,
तो यानी मिलकर क्या बनेगा, 60 प्लस 5। तो ये तो था शॉर्ट फॉर्म में, इसको किस में किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में। किस में किया अपन ने, एक्सपेंडेड फॉर्म में। 65 यानी 6 tens plus 5 ones। सिमिलरली 95 को हम कैसे लिखेंगे, 9 tens plus 5 ones। और इसको हम इस मेथड में भी लिखेंगे 60 plus 5, और इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 90 plus 5। ठीक है, तो इसमें आओ, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म वन हैज बीन डन फॉर एन एग्जाम्पल। अब क्या है यहाँ पे, 98। क्या है, 98। तो 90 plus 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 tens 8 ones। अब नेक्स्ट एक बार मैं बता रही हूं, बाकी के दो एक बार आप अपने आप करके आओगे। 77 है, तो 70 plus 7, और ये टेंस की प्लेस पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला 7, और वंस की प्लेस पे आगे वाला 7। बाकी के दो आपको होमवर्क करने हैं। नेक्स्ट है आपका राइट इन वर्ड्स। अब आपके पास कुछ नंबर लिखे हुए होंगे, वो आपको किस में लिखने हैं, वर्ड्स में लिखने हैं। किस में लिखने हैं, वर्ड्स। जैसे 99, तो NINETY 9। 55 55। नेक्स्ट क्या है, 83। तो 83 नेक्स्ट है, 91। सिक्सटी नाइन। बाकी के आपको क्या करने हैं, होमवर्क। 75, 84, 53, 86, 72, 58, 67, 95, 57 and 79। Now, write the numerical for the following. अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपको क्या करना है, वर्ड्स में लिखे हुए हैं उनको आपको नंबर्स में लिखना है। जैसे 66 है, तो कैसे लिखेंगे, 66। नेक्स्ट है 57, तो 57। नेक्स्ट है 72। क्या है, 72। उसके बाद 79। क्या आ जाएगा, 79। नेक्स्ट 81, 61। नेक्स्ट बताओ मेरे को, 87, 83, 88, 76, 62। फिर क्या आएगा, 60, only 60। फिर क्या आएगा, 58। नेक्स्ट 94,
उसके बाद 70, ओनली 70. नाउ वॉट कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि कोई भी नंबर के जस्ट आफ्टर क्या आता है, तो 64 के जस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, बाद में क्या आता है, तो 64 के बाद में क्या आता है, 65. 89 के बाद में क्या आता है, देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 89 के बाद में क्या आता है, ठीक है, तो 88, 89, 90, 90. फिर 74 के बाद में 75, 97 के बाद में 98. आया समझ में? इसी का ही एक पार्ट आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क. नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, यानी कि जस्ट पहले क्या आएगा. अभी तक हम बाद में जा रहे थे, अब पहले भी बताना है हमें. 55 के जस्ट पहले क्या आएगा, 54. 67 के जस्ट पहले तो 66. 54 के जस्ट पहले 53. 66 के जस्ट पहले तो क्या आ जाएगा, 65. और यही आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होमवर्क. नाउ वॉट कम्स इन बिटवीन, अब क्या है बिटवीन में क्या आएगा, तो 55 यहां पर, 55 के जस्ट बाद में आता है 56, फिर क्या आता है 57, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 56. 97 और 99, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 98. 69 और 71, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 69 के बाद 70. 77 और 79, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 78. इसी का नेक्स्ट ये वाला आपका होमवर्क. अब एक बार इधर आओ. पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल इन बिटवीन, हमें यहां पे क्या करना है, बड़ा छोटा और इक्वल निशान लगाने हैं. तो सबसे पहले 94 बड़ा है या 55, कौन सा बड़ा है, 94. जिसके आगे बड़ा है उसके आगे मुंह खुलेगा, ठीक है. 67 और 76, 76. 86 या 59, 86. 68 या 68, ये तो इक्वल हो गया, तो इधर इक्वल का निशान. 67 या 89, 89. 77 और 76, 77. 80 या 76, 80. अभी इधर 79 या 76, तो 79. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. 56 इज बिटवीन 55 एंड डैश. 56 जो है वो किसके बीच में आता है, 55 और 57 के बीच में आता है. आया समझ में? नेक्स्ट, द नंबर जस्ट आफ्टर 78 इज डैश. नंबर, द नंबर जस्ट आफ्टर 78 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 79. डैश इज बिटवीन 59 एंड 60. 59 और 61, सॉरी 61. 59 और 61 के बीच में क्या आता है, 60. तो यहाँ क्या आ जाएगा,
60. The number just before 56 is, यानी कि before आ गया है यहाँ पर, तो यानी कि पहले 56 से पहले, पहले क्या आता है 55. Next, the number after, after यानी बाद में, तो after 89 के बाद में क्या आता है 90. The number just after 66 is, यानी कि 66 के just after, यानी कि just बाद में क्या आता है 67. The number just before, अब यहाँ पे क्या आ गया before, before मतलब पहले, तो 78 के पहले क्या आता है 77. The number between, between यानी बीच में, between 85 and 87 is, यानी 85 और 87 के बीच में क्या आता है 86. Very good. Counting backward and right. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, backward counting यानी उल्टी गिनती लिखनी है, उल्टी counting लिखनी है backward. 77 के पहले 76, 75, फिर क्या आ जाएगा 74, 73, 72, 71. इसी के साथ यही वाला करके बताओ 83, 82, 81 के पहले 80, 79, 78 and 77. Next 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51. Next 92, 91, 90. उससे पहले क्या आता है 89, 88, 87 and 86. और इसी के साथ ये वाला आपका क्या हो जाएगा होमवर्क. नेक्स्ट काउंटिंग फॉरवर्ड एंड राइट. अब इसमें क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग हमें लिखनी है. जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. इसमें 63, 64, 65. 66, 67, 68, 69. Next 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. इसके बाद 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73. और इसी के साथ ये वाला आपका होमवर्क. ये था आपका पार्ट वन. इसके आगे मैं एडिशन बाय एक्सपेंडिंग ये मैं आपको पार्ट टू में करवाऊंगी, ठीक है. ये वाला एडिशन बाय एक्सपेंडिंग ये वाला मैं आपको पार्ट टू में करवाऊंगी. और थैंक यू.